हेलो नमस्कार दोस्तों, पृथ्वीराज ब्लॉग्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की लगातार जो भी अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आज हमारी पंचायत के अंदर एसटीएम महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। आप देख सकते हैं ये खो खो का ग्राउंड है जिसका निरीक्षण किया गया और विद्यालय के अंदर जो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक को लेकर उसका शुभारंभ होगा, उसका प्रारंभ किया जाएगा। दो दिन शेष बचे हैं, 29 अगस्त से राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक को धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा। उसकी प्रिपरेशन चल रही है, उसमें कल्चर प्रोग्राम किस प्रकार होंगे, बच्चों ने काफ़ी शानदार प्रामिड दिखाकर एसडीएम महोदय का स्वागत किया और सभी ग्राउंडों का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं बच्चे काफ़ी उत्साह से भाग ले रहे हैं राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। ग्रामीण ओलंपिक में लगातार अपडेट आती रहती है, हम फिजिकल एजुकेशन गुरुजी चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के अंदर कौन सा टेप जोड़ा गया है, कौन सा हटाया गया है, हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। आप देख सकते हैं बच्चों ने काफ़ी शानदार तरीके से प्रदर्शन किया, उन्होंने पिरामिड बनाए, काफ़ी उत्साह से बच्चे भी काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, ग्राउंड मेजरमेंट हो चुका है, बच्चों की तैयारी भी प्रॉपर वे से चल रही है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चे कबड्डी के अंदर, खो खो के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उनको मन के अंदर उत्साह भी है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक को लेकर। स्कूलों में भी शिक्षकगण और ग्रामवासी काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक को लेकर। और हमारी पंचायत के अंदर आज एसडीएम साहब का निरीक्षण रहा सभी ग्राउंडों को लेकर। उन्होंने खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल, क्रिकेट सबके ग्राउंड का निरीक्षण किया। कार्य चल रहा है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक को लेकर। टीचरों में भी उत्साह देखा गया है, बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है क्योंकि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। जी हाँ, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। खेल दिवस के दिन राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और भव्य आयोजन होने वाला है। अभी जो काम चल रहा है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में, टीमों की जो चयन की प्रक्रिया चल रही है, टीमों को चयन करके उनकी बाई निर्धारित की जाएगी। और अब राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में नया कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो सारे टैब बंद कर दिए गए हैं। आप टीम को अपडेट नहीं कर सकते, आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी भी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में अब टीमें बन चुकी है उनका ही मैच करवाया जाएगा क्योंकि अब राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक को शुरू होने में सिर्फ कल का दिन है। फिर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक 29 तारीख से शुरू होने वाले हैं। आज 27 तारीख हो चुकी है, एक दिन अपने बीच रहा है। 29 अगस्त को राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का भव्य आयोजन किया जाएगा और राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के अंदर जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया जाएगा, जिसकी सूचना प्रत्येक जिले से मांग ली गई है कि किस खिलाड़ी ने किस खेल में भाग लिया है और किस टीम में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और उन सबकी डिटेल प्रत्येक जिला वाइज मांग ली गई है ताकि उनका रिकॉर्ड रखा जा सके और उस अनुसार जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ बुक में भी नाम दर्ज किया जा सके। तो काफ़ी, और आपको इसमें सर्टिफिकेट भी मिलने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये ऐसा सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, अगर आप विजेता होते हैं तो जो टीम विजेता होगी उसे ही ब्लॉक स्तर पर भेजा जाएगा। आज ही मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो टीम विजेता होगी उसको ही आगे भेजा जाएगा और जो किट का प्रावधान है वो किट भी आपको विजेता होने पर ब्लॉक स्तर पर आपको किट दी जाएगी। ग्राम स्तर पर जितनी भी टीमें बनी हैं उनका आपस में मैच करवाने के बाद जो टीम विजेता होगी उसको ब्लॉक स्तर के लिए भेजा जाएगा। ब्लॉक स्तर पर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और आपको यहाँ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा फर्स्ट का। जैसे ही वो प्रमाण पत्र आप ब्लॉक स्तर पर लेके जाएंगे तो ब्लॉक स्तर पर आपको किट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पंचायत स्तर पर आपको किट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जो किट है वो आपको ब्लॉक स्तर पर दी जाएगी। तो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। ये हमारा ब्लॉग चैनल है जहां आपको ग्रामीण ओलंपिक से छोटी ग्राउंड से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस चैनल को भी अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करते रहिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।